अजीत पवार के सपने पर संकट के बादल, जुगाड़ की सरकार पर संकट के बादल, बीजेपी की मेहनत शरद पवार के यज्ञ में हुई स्वाहा। महाराष्ट्र के महाभारत में बीजेपी फिर पहुंची शून्य पर। भतीजे अजीत पवार पर चाचा शरद पवार पड़े भारी। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूकंप 23 नवंबर को तड़के सुबह आया था, वो 23 नवंबर की शाम तक पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर चला गया। 23 नवंबर की सुबह जो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाकर ये सोच रही थी कि उसने महाराष्ट्र के पिच पर छक्का मार दिया है, शाम होते होते महाराष्ट्र के सियासत के खेल में उसी बीजेपी के छक्के छूट गए। बधाइयां देने वाले, मुबारकबाद देने वाले, खुशी के मारे गले लगने वालों को जैसे सांप सूंघ गया, जबान पर गांठ लग गई। जो लोग देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को सरकार बनाने पर बधाई दे रहे थे, उनके चेहरे ऐसे सूख गए जैसे किसी ने शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बधाइयों के ट्वीट ट्विटर बॉक्स में उदास से नजर आने लग गए। यहाँ महाराष्ट्र का विकास तो छोड़िए, बीजेपी के लिए बहुमत साबित करना भी टेढ़ी खीर बन गया। 23 नवंबर की दोपहर जो चेहरे बीजेपी पर बधाइयों के फूल बसा रहे थे और अमित शाह की चाणक्य की नीति पर कसीदे पड़ रहे थे, वो शाम का नजारा देखने के बाद सन्नाटा मार कर बैठ गए। शरद पवार ने ऐसा हंटर चलाया कि एनसीपी के 49 विधायक चुपचाप वीआईवी चौहान सेंटर के बाहर खड़ी हुई बस में जाकर बैठ गए और उनके बैठने के साथ ही बीजेपी का दिल भी बैठ गया। पवार के चाबुक ने बीजेपी के चरित्र को उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जिस अजीत पवार के दम पर बीजेपी एनसीपी को तोड़ने का ख्वाब देख रही है, उस अजीत पवार के पास कायदे से 4 विधायक भी नहीं है। 78 साल के महाराष्ट्र के मराठा शरद पवार ने बीजेपी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसका जवाब बीजेपी देने में फेल साबित हुई। शरद पवार को कमकल कम अंतर समझने वाली अमित शाह की भूल ने बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई में फिर से शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब शुक्रवार की रात 7:45 बीजेपी जहां खड़ी थी, शनिवार की शाम 7:45 भी बीजेपी वहीं खड़ी नजर आई। अजीत पवार से नेता विधायक दल का होदा छिन जाने के साथ ही उन चिट्ठियों का भी कोई मतलब नहीं रह गया जिसे फडणवीस राज्यपाल को सौंप कर विधायकों के समर्थन का दावा करके आए थे और तड़के सुबह खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। अब जब अजीत पवार की चिट्ठी का ही कोई मतलब नहीं, तो 5 विधायकों के समर्थन का भी कोई मतलब नहीं, जिनके बारे में बीजेपी ये कह रही थी कि ये विधायक तो हमारे इशारे पर नाचते हैं। महाराष्ट्र में शपथ विधि हुई है और जिस पत्र का आधार बनाकर सत्ता स्थापना की गई, वो विधायकों का पत्र का दुरुपयोग किया गया है। जो हाजिरी के लिए हमने दस्तखत लिए थे, उस दस्तखत को लेकर राज्यपाल महोदय के पास दिया गया, जिसके आधार पे ये शपथ ग्रहण हुआ है। अब सवाल ये है कि अजीत पवार के 4 विधायकों के दम पर बीजेपी करेगी क्या? लेकिन जिस तरह से देश में किसी को ये पता नहीं चला कि कब फडणवीस राज्यभवन गए, कब राज्यपाल से मिले, कब राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंपी, कब महामहिम ने शपथ का न्योता दिया और कब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले आए, ठीक वैसे ही ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए कौन से नए पत्ते फेंट रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।